सो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है जगन्नाथ, स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज भी है अबाउट ऑफ कार्स। बेसिकली मैं आज मॉर्निंग में कर रहा हूँ, दिखाता हूँ। ये देखो मॉर्निंग में कर रहा हूँ, मॉर्निंग में अच्छा लगता है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बिछा लेता हूँ, पटूंगा सेटअप कर लेता हूँ। वन मोमेंट, हाँ तो अब आ गए हैं। और चलो आज जो बेसिकली गाड़ी है वो है टाटा एस। जी हाँ, टाटा एस। देखो जो टाटा एस है वो हर काम में आता है, सामान में। और टाटा एस एक मिनी कैरी कार है, उसके हिसाब से चलता रहता है। और वही है उसका अबाउट, और उसके अंदर एकदम 1943 जैसे गाड़ी थे। आप जानते हैं उसमें कोई डस्क में कोई कुछ नहीं रहता था, बस ड्राइवर साइड में बटन रहता था और गियर अच्छा नहीं दिखता था, वैसा ही था। और उसका हैंडल भी थोड़ा वैसा है, वैसे जो मैं स्कूल में जाता हूँ गाड़ी से, वो टाटा एसी है, पर वो वैन वाला टाटा एस वर्जन। देखो टाटा एस का दो वर्जन, एक है कैडी पिकअप और एक है जो स्कूल में लेकर जाता है वैन। देखो जो वैन वाला है उसके ऊपर शेड दिया रहता है, मतलब शेड वाला बना रहता है, और क्लासिक वाला वो बिना शेड का है। और मैं जब बैठता भी हूँ ना, तब मुझे हर टाइम वहाँ मिडल में टायर ही रहता है, मतलब नीचे नहीं रहता, स्टेपनी ऊपर ही रहता। और दूसरा गाड़ी है अपना ये इसुजु एक्स मक्स। जी हाँ, इसुजु एक्स मक्स, मतलब मुझे फुल फॉर्म अभी तक फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, पर वही है। और वो एक एसयूवी है जैसे इसुजु डी मैक्स है, उसी कंपनी का है, एसयूवी है, मतलब चाइनीज एसयूवी। तो चाइनीज एसयूवी में जैसे इसुजु में अंदर टच स्क्रीन है, ये सब है, वैसा ही उसमें ही है, मतलब कंपेयर टू इसुजु एंड एक्स मक्स। दोनों अंदर इंटीरियर में एक ही है, पर शेप और पीछे कैरी स्पेस उतना नहीं है एसयूवी का। वो पिकअप जो इसुजु है वो तो मैंने बोल दिया बहुत है, और पार्किंग में भी प्रॉब्लम होगा, तो उसके हिसाब से लेना। नहीं तो कोई गाड़ी, अगर आपका बिल्डिंग है तो कोई गाड़ी जाएगा तो हाँ टक्कर खाएगा ना इसलिए, या फिर आपका घर है तो थोड़ा संभाल के रखना, अच्छा स्पेस लेना। तो यही है आज का कंपेयर, दो हो गया। अब लास्ट है आज पार्ट थ्री का, वो है अपना फेवरेट गाड़ी जो है मारुति अल्टो 800। देखो बेसिकली अल्टो 800 एक वो भी बन सकता है, देखो ये जो आप ओला देखते हो, ओवर देखते हो, वो बन सकता है, मिनी ओवर ओला बनता है, और वो एक मिनी हैचबैक कार है, चाइनीज से बना है। और ये है अपना मेन,
और अंदर की बात करें तो 1, 2, 3, 4 सीट है, और उसका हैंडल भी बेसिकली नॉर्मल है अब का, और डेस्क में उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस स्पेस है, और उसमें वो उस टच स्क्रीन, रेडियो, वो सब नहीं है। देखो आज का 3 गाड़ी हो गया, तो मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।